बिहार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बिहार की पवित्र और ऐतिहासिक धरती को मैं नमन करती हूँ। आज बिहार में सत्ता और उसके अहंकार में डूबी सरकार अपने रास्ते से अलग हट गई है। ना उनकी करनी अच्छी है, ना कटनी। मजदूर आज मजबूर है, किसान आज परेशान है, नौजवान आज निराश है। अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। धरती के बेटों पर आज गंभीर संकट है। दलितों और महादलितों को बेहाली की कगार पर लाकर छोड़ दिया है। समाज के पिछड़े वर्ग भी इसी बदहाली के शिकार है। बिहार की जनता की आवाज कांग्रेस महागठबंधन के साथ है, यही है आज बिहार की पुकार। दिल्ली और बिहार की सरकारें बंदी सरकारें हैं। नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत कलिहान बंदी, रोटी रोजगार बंदी। इसीलिए बंदी सरकार के खिलाफ अगली नस्ल और अगली फसल के लिए एक नए बिहार के निर्माण के लिए बिहार की जनता तैयार है। अब बदलाव की बयार है, क्योंकि बदलाव जोश है, ऊर्जा है, नई सोच है और शक्ति है। अब नए इबारत लिखने का समय आ गया है। बिहार के हाथों में गुण है, हुनर है, ताकत है, निर्माण की शक्ति है, लेकिन बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, भुखमरी ने उनकी आंखों में आंसू और पैरों में छाले दे दिए हैं। जो शब्द कहे नहीं जा सकते, उसे आंसुओं से कहना पड़ता है। भय, डर, खौफ, अपराध के आधार पर नीति और सरकारें खड़ी नहीं की जा सकती। बिहार भारत का आईना है, एक आशा है, भारत का विश्वास है, जोश है, जुनून है। बिहार भारत की शान भी है और अभिमान भी। बिहार के किसान, युवा, मजदूर भाई और बहनों सिर्फ बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत और दुनिया के कोने कोने में है। आज वही बिहार अपने गांव, कस्बे, शहरों, खेतों और कलिहानों में अपनी शान और भविष्य के लिए नए बदलाव को तैयार। इसीलिए तो मैंने कहा कि बदलाव की बयार है। वोट के सिहाही वाली उंगली अब सवाल लेकर करी है। सवाल बेरोजगारी का है, सवाल खेती बचाने का है, सवाल रोटी और रोजगार का है, सवाल शिक्षा और सेहत का, सवाल उद्योग धंधे का है, सवाल बेलगाम अपराध पर रोक लगाने का है, सवाल तानाशाही शासन पर है। इसीलिए आज वक्त है अंधेरे से उजाले की ओर, झूठ से सच की ओर, वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ने का। ज्ञान की धरती कहे जाने वाले बिहार की जनता से मेरी अपील है कि वो महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दे और नए बिहार का निर्माण करे। धन्यवाद। जय हिंद।